एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये देखिए, हमने पहले से भुना हुआ ना मावल ले लिया है, पहले से इसको भून रखा है। बस हल्का सा हम गरम करेंगे क्योंकि ये हमने बाहर ही रख दिया था तो ये हार्ड हो गया है। तो क्या बनाने वाले हैं आज हम? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मोदक। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। आज सुबह सुबह भी मैं ये मोदक की रेसिपी इसलिए डाल रही हूँ, बहुत ईजी है, तो जिसके घर में भी मावा पड़ा है वो फटाफट फ्रेश मोदक बना सकता है। तो इस टाइप से हम हल्का सा बस इसको गर्म करेंगे क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी भुना हुआ है। मावा हल्का ठंडा हो गया है। एक टेबल स्पून लिए हैं हमने गुलाब की पत्तियां, ठीक है, और ये लेंगे हम पिसी हुई चीनी 2 टेबल स्पून, ठीक है, थोड़ा सा रोज एसेंस 2-3 ड्रॉप ही, इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आएगी। और इस सबको ना हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का गर्म है ये, धीरे धीरे ना बाइंड हो जाएगा चीनी ऐसे डालने से। ये देखिए, इस टाइप से हम इसको हल्का सा मिक्स करते हैं। आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें ये घी। अगर ऑलरेडी आपका मावा जो है ना वो घी वाला है, घी छोड़ दिया है, तो डालने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज इस तरह से ना ये बनना शुरू हो जाएगा। अगर आधा चम्मच ही घी आप ऐसे डाल देंगे ना तो बनना शुरू हो जाएगा। और ये मैंने 3/4 कप मावा लिया था, तो मैं आपको इस इंग्रेडिएंट्स में लिख दूंगी। ये देखिए, जब हमने इसको अच्छे से, हल्का गर्म है, अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे ना, ज़्यादा गर्म में चीनी नहीं डालना नहीं तो कड़क हो जाएगा। देखिए, इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, तो लगेगा हमारे मोदक अब बनने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये मोदक का सांचा लेंगे, इसमें हल्का सा ऐसे घी लगाएंगे। आप चाहें तो बूरा भी लगा सकते हैं, सूखी बूरा भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। हल्का घी लगाएंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इसके चारों तरफ ना हम थोड़ी सी इसमें ये लीव्स लगा देंगे ताकि वो बाहर से ना दिखने में अच्छा लगे। रोज पेटल्स लगा देंगे, ठीक है। और इसको अब हम ऐसे क्लोज करके ना भरना शुरू करेंगे। यकीन मानिए, ये बहुत टेस्टी बनते हैं, इंस्टेंट हैं। अगर मावा आपके पास भुना हुआ रखा है तो कुछ भी नहीं है, बस उसको हल्का सा गर्म कीजिए और उसके अंदर हल्के निवाए में ही बूरा या पिसी चीनी, जो भी आपको पसंद है, वो मिला दीजिए और इस तरह से आप सांचे में टाइट इसको भर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से। इस तरह से हमने इसको बंद कर लिया, चारों तरफ से ये हट गया है और अब हम इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। और ये देखिए, है ना बढ़िया मोदक, कितना आसानी से ये तैयार हो गया है। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं लीव्स बाहर से लगी हुई कितनी सुंदर लग रही हैं, तो बहुत ही बढ़िया। एक और आपको बनाकर बताती हूँ, एक से साइज बनते हैं अगर आपके पास सांचा है तो। एक और देख लीजिए आप, इसमें ऑलरेडी घी लगा हुआ है ना। आप ऐसे बंद करके भी ना 2-4 ही पत्तियां आप अगर लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगा दें चारों तरफ, ठीक है, और उसके बाद ये इस तरह से इसमें भर दें। और प्योर मावा है, देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो ज़रूर बनाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। बहुत थोड़ी मात्रा में मैं ये आपको बना के दिखा रही हूँ, मुश्किल से 3 या 4 मोदक के लिए है ये, क्योंकि थोड़ा बड़े साइज़ का है। तो अगर आपको छोटे साइज़ में बनाना है ना तो प्लास्टिक के मोल्ड ये हर जगह मिल जाते हैं आजकल, तो ज़रूर लेके रखें। ये देखिए, जब हमने चारों तरफ से प्रेस कर लिया, इसको खोलेंगे और ये बढ़िया सा मोदक हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए, तो इस तरह से हम बना लेंगे सारे मोदक और फिर मिलते हैं आपसे। और ये देखिए, हमारे यमी से मोदक बनकर तैयार हैं। मैंने ना इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, केवल मावा, पिसी चीनी, आप मिश्री यूज़ कर सकते हैं,
ये देखिए, और गुलाब का खुशबू, गुलाब की पत्तियां, गुलाब वाला एसेंस डालकर ये बनाए हैं। आशा है आपको बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। हैप्पी गणेश चतुर्थी वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।